वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन 10। बाई जिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, प्रूव करने आपने कि दोनों साइड इक्वल दिखानी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या है करने का। देखिए, पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एक्स प्लस 4 2x प्लस 4 अब सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी रो या कॉलम में से, हमारा मेन टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने, इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इंट्रोड्यूस करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाना, जिससे कि हमारी जो एक्सपेंड करें फिर तो हमारी इजी हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जीरो बनाने हैं। इसके लिए आप सबसे पहले देखें, आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए किसी रो या कॉलम में से कोई हमारा एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, अगर नहीं है तो सेकंड थिंग। अगर एलिमेंट्स 1 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एलिमेंट्स ये 1 1 है, बट एवर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो रो 1 के एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 1 है। तो अगर रो के एलिमेंट्स 1 1 है तो आप किसी भी एक कॉलम में से बाकी के कॉलम में, किसी भी एक कॉलम को बाकी के कॉलम में से माइनस कर दो तो 2 0 बन जाएंगे आपके। अगर 3 1 1 है तो 2 0 बना सकते हो, इसको 0 बना सकते हो, इसको बना लो इस एक में से ही। सिर्फ एक ही कॉलम को माइनस करें, या C1 को, या C2 को, या C3 को, यानी कि आप ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, C2 goes to C2 minus C1, C3 goes to C3 minus C1। एक ही कॉलम को माइनस करें, या C1 को माइनस करें, या C2 को माइनस करें, या C3 को माइनस करें। ठीक है, अगर हमारे एलिमेंट्स 1 1, कॉलम के एलिमेंट्स 1 1 है, व्हाटएवर जो भी है, तो आप किसी भी रो को माइनस कर दें बाकी की रो में से, सबट्रैक्ट एनी रो फ्रॉम द रिमेनिंग रोज। जस्ट लाइक आप ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1। मैंने R2 और R3 में से किसको माइनस किया, R1 को, तो मेरे नीचे वाले जीरो बन जाएंगे। तो ये जीरो बन जाएगा, एक ये इसमें से ये माइनस करेंगे, मैंने नीचे वाले जीरो बना दिए, आप ऊपर वाले भी जीरो बना सकते हो दोनों। ठीक है, अगर 1 1 नहीं है, फिर थर्ड थिंग आप क्या देखेंगे कि कॉलम्स को, सभी कॉलम्स को, या C1 प्लस C2 C3 करके देख लें, या माइनस करके देख लें, या रो को ऐड करके देख लें, क्या एलिमेंट्स हमारे किसी रो या कॉलम के सेम आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उसका उसका पर्पज क्या है हमारा, कि हमारे एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के अगर सेम आ जाएंगे तो हम उस एलिमेंट को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे क्या बन जाएंगे, 1 1 बन जाएंगे ना, फिर 2 0 बनाना आसान है। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पे आपको इसमें इसको इसको ऐसे आप यूज करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, इसमें इसको इसको ऐसे ऐड करके देखेंगे। ध्यान दें ये कॉलम का ऑपरेशन है, रो के ऑपरेशन आपने पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी किया था, इसमें इसको, यानी कि इस तरह से ऐड होंगे रो के ऑपरेशन, तो इसको C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखें, 2 प्लस 2 4, 4x प्लस x, 5x प्लस 4, ऐसे ऐड करेंगे, 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, 5x प्लस 4, 2x 2x 5x प्लस 4 बन रहा है, यानी कि C1 के एलिमेंट्स 5x प्लस 4 बन जाएंगे, कॉमन आ जाएगा, वो हमारा राइट हैंड साइड में दिखाई भी दे रहा है। इसी तरह रो अगर ऐसे करके देखेंगे, रो के इसमें इसको इसको ऐड करेंगे 5x प्लस 4, इसमें इसको इसको ऐड करेंगे 5x प्लस 4, एलिमेंट हमारा सेम बन रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, कॉलम का यूज करना चाहो कॉलम का, रो का करना चाहे रो का, मैं कॉलम का यूज कर लेता हूं, C1 goes to C1 plus C2 plus C3, this is equal to value determinant की सेम रहेगी, ये property 6 कहती है, ना तो किसी से डिवाइड करना, ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो C1, यानी कि इसमें इसको x plus 4 plus this क्या होगा 5x plus 4, इसमें इसको इसको ऐड किया 5x plus 4, 5x plus C1 में चेंज आएगा सिर्फ, ध्यान से देखें, जो C1 के एलिमेंट्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए ये कैसे आए हैं, C1
प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी वन, ये सी वन के एलिमेंट जो मैंने डायरेक्ट लिखे 5x प्लस 4, 2x, x प्लस 4, ऐसे ऐड करोगे c1, c2, c3, इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये x प्लस 4, 2x, देखो 4 प्लस 5x प्लस 4, आप अलग से अगर कुछ लग रहा है c1 यहां पे लिखो, c2 यहां पे लिखो और प्लस c3 यहां पे लिखो और तीनों को ऐड करो, ठीक है, 5x प्लस 4 आ गया हमारा, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम c1, तो 5x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस आ गए ना, कॉलम के हमारे एलिमेंट क्या आ गए 1 1 आ गए। अब देखो दो जीरो बनाने हैं, दो जीरो बन जाएंगे अगर एलिमेंट्स हमारे किसी रो या कॉलम के यूनिटी हैं, अगर इसमें से इसको माइनस किया तो ये जीरो बन गया, यानी कि r2 माइनस r1, r3 माइनस r1, तो मैं r1 को माइनस कर लो या r2 को माइनस कर लो आपकी मर्जी, ठीक है, अप्लाइंग r2 गोज टू r2 माइनस r1, r3 माइनस r1, हम दो ऑपरेशन एक साथ यूज कर रहे हैं, आप अलग अलग भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं बट उसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बेटर है एक साथ दो ऑपरेशन यूज करें, ये ऑपरेशन यूज किया 5x प्लस 4, देखिए r2 माइनस r1 ये पूरी हमारी r2 है और ये r1 है, इसका मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, समझ आ रहा है, ये r1 के एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे 1 2x 2x, ठीक है, r2 माइनस r1 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो x प्लस 4 में से माइनस 2x किया 4 माइनस x आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 0 आ गया, अब r3 ये है r3 माइनस r1 1 माइनस 1 0 2x माइनस 2x 0 4 x प्लस 4 में से इसको माइनस करेंगे 4 माइनस x, ठीक है, आप एक्सपेंड कर दें तो हमारे जो नंबर्स हैं कैलकुलेशन हमें लग रही है टिपिकल नहीं है, तो एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग दो जीरोज आ गए हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ गए हमारे, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, सी वन के अलोंग एक्सपेंड करें क्योंकि इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो 5x प्लस 4 1 4 माइनस x 0 0 4 माइनस x, बाकी की दो जीरो है ना, 0 प्लस 0 पूरा डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4 4 माइनस x का होल स्क्वायर, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट दिस इंप्लाइज लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अब ध्यान दें हम यहां पे जरूरी नहीं मैंने जिस तरीके से करवाया उसी तरीके से, ठीक है, आपको अपना दिमाग यूज करने कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन तीन चार मेथड से भी हो सकता है, दो मेथड से भी हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करता तो जीरो बन जाता c2 माइनस c1, अब c3 माइनस सिर्फ एक ही कॉलम को माइनस करें, ठीक है, ये नहीं है c3 माइनस c1 कर दिया c2 माइनस c3 कर दिया, नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा वो ऑपरेशन वैलिड नहीं है किसी भी एक रो में, अगर एक साथ दो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं अगर रो में अफेक्ट आ चुका है तो वो दोबारा यूज ना करें, तो इसके लिए एक ही चीज है कि आप एक ही कॉलम या एक ही रो को माइनस करें, ठीक है, बाकी की कॉलम में से या बाकी की रो में से, इसमें से ये माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या बन जाएगा जीरो, c3 माइनस c1 c2 माइनस c1 भी आप यूज कर सकते हैं, फिर जैसे ही कॉमन दिखाई दे कुछ कॉमन ले लो आप, ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करने हैं आपको,